Welcome to our channel, Desi Couple on the go, जिसमें मैं मेघा और मैं सौरभ लेके जाते हैं आपको बहुत सारे places. और अभी हमारी चल रही है इटली की travel series. और हम हैं लेक ब्राइज में और हमारा होटल भी था लेक ब्राइज में. But now it's time to check out this hotel and leave this amazing Lake Braise का view. आज वैसे thunderstorm की forecast है अभी भी, मगर फिलहाल तो sun shine हो रहा है. But I'm sure कुछ टाइम में यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी. हमारा आज का प्लान ये है कि हम इसको चेकआउट करके वी विल हेड बैक टू अवर न्यू होटल फॉर वन मोर नाइट. मगर हम लोग आज भी डोलोमाइट में ही रहने वाले हैं. अभी हमारा डोलोमाइट का ट्रिप ख़त्म नहीं हुआ है और आज हमारा जो पहला स्टॉप होगा वो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस, एक चर्च है एक्चुअली, जो आई एम श्योर आप लोगों ने कई बार देखा होगा. तो हमारा वो आज का पहला स्टॉप है. थोड़ा यहाँ से लॉन्ग ड्राइव है, अराउंड 1.5 आवर का. माउंटेन ड्राइव है तो और टाइम लगता है, बट आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ फन एंड वेरी ब्यूटीफुल राइड. सीनिक, यस, सीनिक एज वेल. तो अगर कहीं रास्ते में अच्छा स्टॉप होगा देन हम लोग वहाँ रुकेंगे एंड वी विल शो यू ऑल्सो. क्योंकि रोड ट्रिप पे है तो जहाँ मन करेगा वहाँ रुकेंगे. वैसे जो चर्च है ना वो सबसे क्यूट चर्च है और उसका जो बैकड्रॉप है वो बहुत ही अमेजिंग है. अगर आपने नहीं देखा है तो नो वरीज, क्योंकि इस वीडियो में आप वो देखेंगे. So now it's time to go. Let's go. Let's go. पहुंच गए हम लोग. इस जगह का नाम है विल द फ्यूम्स. एक्चुअली पहले एक चर्च पे पार्किंग करनी होती है, और ऐसा नहीं है कि चर्च पे ही पार्किंग होती है, चर्च के लिए जाने से पहले ही पार्किंग है. और ये देख लीजिए आप, ऐसा बना हुआ है पार्किंग नूर सोलो ऐसे करके, और यहाँ हमने पार्किंग कर दी है. ऑलमोस्ट 20 मिनट से हम लोग कार में बैठे थे क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रहा था. अब थोड़ा कम हो गया है एंड वी हैव आर रेनकोट्स ऑन. सो नाउ इट्स टाइम टू गो एंड do a 45 minutes tracking towards the location that we want to go. ऐसा पूरा वॉकिंग रूट है बिल्कुल. देखेंगे अगर आप इधर, तो इस पर पूरा वॉक करके जाना है. और क्या लोकेशन है, जीपीएस लोकेशन वो मेंशन कर देंगे तो आप देख सकते हैं और यहाँ आना चाहें तो, क्योंकि कार नहीं आ सकती, यू हैव टू वॉक ऑल द वे. सो पहले जाते हैं, देखते हैं इज़ इट वर्थ, एंड देन आपको पता चल ही जाएगा. बट वॉक तो बहुत ही अच्छा है. जस्ट लुक एट द माउंटेंस. And then the landscape behind me.
This is Megha and Saurabh from Italy Alps, Italian Alps Dolomites. We found another co-traveler with us. क्योंकि बात यह है अनएक्सप्लोर्ड है, लाइक ये मेन टूरिस्टिक ऐसा स्पॉट नहीं है, तो आपको यहाँ बहुत सारे लोग नहीं दिखेंगे, तो कुछ ज़्यादा साइंस भी नहीं दिखेंगे, तो आपको खुद ही एक्सप्लोर करके पहुँचना होगा. फन है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बस जो ये बिजली की कड़क हो रही है ना, उससे लग रहा है अगर बहुत तेज बारिश गिरी तो दिक्कत है, पर जब तक नहीं गिर रही है तब तक तो एंजॉय कर ही सकते हैं. यस, पर आप लोगों के लिए रूट क्लियर हो जाएगा, अगर हमको पॉइंट मिल गया तो आप भी आराम से आ सकते हैं, और अगर नहीं मिला तो नहीं आ सकते. नहीं मिला तो आप नहीं आएंगे. मे बी आप फाइंड करके हमें भेजिएगा. थंडरस्टॉर्म लग रहा है कि जल्दी आने वाला है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो रही है. ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि कल जो हाइक किया उसके बाद बॉडी इज़ नॉट ऑन आर बेस्ट, बट जो व्यूज हैं वो एनर्जी दे रहे हैं एक्चुअली टू गो ऑल द वे अप, एंड मे बी वील फाइंड. हाँ, आई कैन सी द चर्च ऑलरेडी. यस, पहुंच गए हम लोग चर्च. दिस इज द चर्च, बट दिस इज नॉट द व्यू पॉइंट, बिकॉज द व्यू पॉइंट वॉज सपोज टू हैव द चर्च एंड देन ऑन फ्रंट ऑफ इट वर द डोलोमाइट्स. बारिश हो रहा है और क्लाउडी भी है, बट वी हैव टू टेल यू दिस इज़ वॉट वी हैव कम हियर फ्रॉम. अगर आप सनी डे पे और जब क्लाउडी नहीं हो तब आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना पोस्ट कार्ड परफेक्ट होगा. दोनों तरफ से ऐसे ग्रीन माउंटेन्स हैं और सामने हैं डोलोमाइट्स के रेंजेस जो पोस्ट कार्ड परफेक्ट बना देंगे इसको. हाँ, वी हैव हार्ड लक टूडे, बट स्टिल वी कैन थिंक ऑफ, क्योंकि जब क्लाउड्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं तब वो दिखते हैं. अमेजिंग इट इज. अब बारिश तेज़ हो रही है, हमने ट्राई किया है इसे कैप्चर करने का. मेरे हिसाब से तो इस जगह ज़रूर आना चाहिए, फर्स्ट क्योंकि एक तो ये क्राउडेड नहीं है, एंड सेकेंडली इससे अच्छा व्यू हमें नहीं दिखा है. सो अगर परफेक्ट डे होगा तो परफेक्ट मतलब एटलीस्ट क्लाउड्स नहीं होंगे तो ऑसम होगा, बट नाउ इट्स टाइम टू गो क्योंकि बारिश और भी तेज़ आ गई है. तो जल्दी से जाते हैं पार्किंग की तरफ. दिस इज़ वॉट वी केम फॉर, यहाँ पर ये पिक्चर बना हुआ है. सो दिस इज़ द चर्च एंड दिस वर द रेंजेस ऑफ डोलोमाइट्स दैट वी केम फॉर. ऑफ कोर्स क्लाउड्स आ गए तो ऐसा आधा आधा दिख रहा है, बट अगर आपको ऐसा पूरा व्यू करना है तो आपको इस चर्च के और आगे जाना होगा टूवर्ड्स राइट साइड, और फिर उस तरफ जहाँ अभी दिख रहा है वहाँ जाके आपको पिक्चर वो वाला मिलेगा.
और एक और चीज़ जो हमने गलत किया, ये डायरेक्टली यहाँ से जहाँ पार्किंग किया है वहाँ से अगर आप पार्किंग की तरफ फेस कर रहे हैं तो आपको राइट साइड पे ही चर्च दिख जाएगा, तो आपको राइट साइड होकर आना है। हम पूरा लेफ्ट साइड मिडो से होते हुए आए और वैसे तो बहुत ब्यूटीफुल है, तो अगर आपको वो इन्जॉय करना है जैसे हम इन्जॉय करते हुए आए तो लेफ्ट साइड से आ सकते हैं। हम आए राइट साइड से, सॉरी हम आए लेफ्ट साइड से, बट राइट साइड से डायरेक्टली इस चर्च पे पहुंच सकते हैं और फिर आगे जा सकते हैं। अब चलते हैं, नहीं तो और भी बारिश होने लगेगा और पूरा का पूरा हमारा कैमरा गीला हो जाएगा और हम खुद भी। लेट्स गो। हम लोग ऑलमोस्ट पार्किंग की तरफ पहुंच गए, बट जो रास्ता था ना आने का जो मैं बात कर रही थी ऊपर, वो बहुत ही स्टीप है। तो जो हमारी पार्किंग दिखाती हूँ पहले, देखिए हमारी पार्किंग दिख रही है, वो हमारी पार्किंग है, वाइट कार जो है वो हमारी कार है। तो अगर उस पार्किंग से हम लोग चले गए थे राइट साइड, तो फिर राइट साइड से जो हमारा वो रास्ता कितना ब्यूटीफुल था आपको दिखाया ही, और लेफ्ट साइड से आएंगे ना तो रास्ता बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं है, ऊपर से बहुत स्टीप है। तो हो सकता है टाइम जल्दी लग जाए, मतलब टाइम जल्दी पहुंच जाए, बट आई स्टिल सजेस्ट 5-10 मिनट्स ही बोर लगेंगे, बट उस रास्ते से ही आइएगा अगर आपको ये व्यू पॉइंट देखना है तो। और इस व्यू पॉइंट का GPS लोकेशन वो सब कुछ मैं टैग कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मेंशन कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा। हम लोग बैठे हैं एक कैफ़े में क्योंकि बुरी तरीके से भीग गए थे पार्किंग पे जाते जाते जाते, वी वर कम्प्लीटली ड्रेन्ड, तो ड्रेस चेंज करना पड़ा तो वो रेड कलर का एक मैंने पहना हुआ था वो हटा के, देन आई एम वेयरिंग वाइट। सौरभ स्टिल ओके, वो इतना नहीं भीगा जितना मेरा पूरा ड्रेस भीग गया था, बट वी आर नाउ इन अ कैफ़े और जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है क्यूट सा चर्च, बट उससे पहले अब कैफ़े पे बैठे हैं तो पियेंगे माय आइस टी एंड सौरभ्स लाते मक्खियातो। आर लंच इज हियर और जो आया है वो है बिगेट और उसके ऊपर है टोमेटो एंड चीज़ ऑन टॉप ऑफ इट। ऑर्डर तो किया था हम लोगों ने ब्रुशेटा, बट उसका ब्रुशेटा ख़त्म हो गया था और ये ना लंच टाइम है ना डिनर टाइम है, उसने कहा कि अब 5 o'clock पे हमारा किचन ओपन होगा तो यही बेस्ट पॉसिबल वेजिटेरियन ऑप्शन है, बट गरम गरम दिया है एंड आई वॉन्ट टू ईट इट। इटालियन फूड में ना टेस्ट तो है एंड आई कैन अंडरस्टैंड, जैसे अपन इंडियन लोग बहुत प्राउड है ना अपने फूड के लिए, सिमिलरली इटालियन पीपल आर ऑल्सो वेरी प्राउड अबाउट देयर फूड। लंच इज डन और वापस आप देख ही सकते हैं कितना बारिश आ रहा है, सो आई हैव टू वेयर माई जैकेट। और अगर बात करते हैं बिल की तो आया 20 euros, 3 एक्चुअली ड्रिंक मंगा लिए थे सौरभ ने, हॉट चॉकलेट मिल्क नहीं हॉट चॉकलेट भी पी लिया था उसमें मिल्क नहीं और इसलिए टोटल बिल आया है 20 euros का। अब टाइम है एक और ब्यूटीफुल चीज़ देखने का और एटलीस्ट वो चीज़ जो है वो बारिश में और भी मैजिकल लगती है, सो लेट्स गो। एंड हियर इट इज फोटो पॉइंट सैंट जोहान। ओह नो, कोई अपनी जैकेट भूल गया फोटो के चक्कर में, जैकेट निकाली होगी और भूल गया होगा हम लोग पहुंच गए हैं वो जगह जो हमें देखनी थी वन ऑफ द टॉप पे थी हमारे लिस्ट पे जब हम डोलोमाइट्स आने वाले थे, और वो थी ये दिस चर्च इन द मिड्स ऑफ माउंटेन्स। इसके पीछे जो डोलोमाइट्स के जो पहाड़ हैं वो दिखते हैं, बट आज ऑफ कोर्स क्लाउड्स है तो वो नहीं दिख पा रहे हैं, बट ये छोटे छोटे से हिल्स तो दिख ही रहे हैं एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल लाइक फेरी टेल टाइप्स।
यहाँ पर ये ऐसा वुड का हट जैसा लगा था एंड आई एंड सौरभ वर वंडरिंग कि ये क्या है बीच में, एंड देन वी रियलाइज्ड कि यहाँ पे ऐसा लॉग है वुडन और उसमें होल है और वो होल के थ्रू ना चर्च दिख रहा है. हम जा खड़े हैं वहाँ से आप इस चर्च का व्यू ले सकते हैं और पीछे डोलोमाइट्स के ऐसे रेंजेस देख सकते हैं. वहाँ आने के लिए कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ से फ़ोटो खींचने के लिए, बट अगर आपको चर्च के अंदर जाना है तो लगेंगे 4 यूरोस और तभी जा सकते हैं. पहले इसका कोई चार्ज नहीं होता था बट अब इतने टूरिस्ट आने लगे हैं तो 4 यूरोस लगे हैं. वैसे आज तो इस जगह पर सिर्फ मैं और सौरभ ही खड़े हैं क्योंकि इतना बारिश हो रहा है, शायद सब ने अपना प्लान कैंसिल कर लिया, बट वी स्टिल वेंट अहेड एंड डिड दिस क्योंकि डेज लिमिटेड ही हैं. अगर आज मिस कर देते तो कल का कुछ पता नहीं है. बट दिस इज दिस चर्च विच लुक्स आउट ऑफ अ फेरी टेल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल. हो सकता है पिक्चर्स और वीडियोज़ में ज़्यादा मैजेस्टिक दिखता हो और जब आप रियल में आके देखें तो वो इतना मैजेस्टिक ना दिखे, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगा. आप बताइएगा अगर आप यहाँ आते हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस चर्च को देखने का. अब बता देते हैं कुछ इन्फॉर्मेशनल चीज़ें इस चर्च तक पहुँचने की. इस चर्च का नाम है सेंट जियोवान्नी, लिख दिया है मैंने, या सेंट जॉन, दोनों नाम से इसे बुलाया जाता है. और अपनी जो कार पार्किंग है हम लोगों ने P3 पे करी है और P3 पे आप कार पार्क कर सकते हैं या P1 P2 भी है, बट P3 के कार पार्किंग से थोड़ा सा चल के आएंगे आगे तो ये वुडन प्लेटफॉर्म दिखेगा और वुडन प्लेटफॉर्म से ये पिक्चर खींच सकते हैं. अगर आपको अंदर जाना है तो फिर आपको और आगे वॉक करना पड़ेगा. पार्किंग के लिए 2 यूरोज़ लग रहे हैं 2 घंटे के, चाहे 1 आवर भी करें तो भी 2 यूरोज़ ही लग रहे हैं, तो 2 यूरोज़ हैं क्योंकि 2 घंटे ज़्यादा तो यहाँ स्पेंड करेंगे नहीं. सो या दैट वॉज द इन्फॉर्मेशन. कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ तक पहुँचने की तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वील आंसर इट. अब करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड. बारिश और भी तेज़ होता जा रहा है पर आपको ये जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं जो हमने एक्सप्लोर करी कैसी लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और अगर आप इटली का प्लान कर रहे हैं और इस जगह पर आते हैं हमारा वीडियो देख के तो पक्का टैग करिएगा और बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. वैसे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तो आप फॉलो कर ही लेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम नेक्स्ट कहाँ जाने वाले हैं और क्या क्या नया चीज़ एक्सप्लोर करने वाले हैं वो देखना है तो आपको देखना होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि जल्द आ जाएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग आवर चैनल, बाय एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू अगेन.